हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है जय और आज मैं आपको डराने के लिए भूतों की कुछ सच्ची बेहद डरावनी कहानियां लेकर आया हूं। तो खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मजा लीजिए इन सच्ची डरावनी कहानियों का। ये कहानी हमारे साथ रोहन जी ने शेयर किया है। ये उनके मामा के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। दोस्तों, इंसानों की तरह ही भूत प्रेतों के भी कई अलग तरह के विचार और प्रकार होते हैं। कुछ भूत प्रेत सिर्फ अपनी दुनिया में ही रहते हैं और बाकी दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं होता, और ये तभी नुकसान पहुंचाते हैं जब कोई इनके निवास स्थान के साथ छेड़छाड़ या वहां पर रहना शुरू कर देता है। मगर कुछ भूत अकारण ही किसी को भी नुकसान पहुंचाते हैं और तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ते जब तक उसे पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर लेते। ऐसे ही एक खतरनाक भूत से रोहन के मामा जी का सामना हो गया। दरअसल उन दिनों रोहन के मामा ऑटो रिक्शा चलाते थे और कई बार वो रात में भी ऑटो रिक्शा चलाते थे और सवारी ढोते थे। ये घटना जब उनके साथ घटी तब बरसात का समय चल रहा था। जब एक रात ऑटो रिक्शा चलाते हुए उन्हें रात के 1:30 बज गए, अब रास्ते पर कोई सवारी भी नहीं थी और बाकी ऑटो रिक्शा वाले भी अब तक अपने घर लौट चुके थे और मौसम भी अब खराब हो रहा था। ऐसे में रोहन के मामा ने भी घर वापस लौटने का सोचा और वो रास्ता साफ होने की वजह से रिक्शे को और भी तेजी से चलाते हुए अपने घर की तरफ जाने लगे। मगर अभी भी उनका घर वहां से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर था और जिस रास्ते से वो अपने घर जाते थे उसके बीच का तकरीबन 3 किलोमीटर का रास्ता बेहद सुनसान था और उस 3 किलोमीटर के दायरे में एक भी इंसानी बस्ती नहीं थी। ऑटो चलाते हुए वो उसी सुनसान रास्ते तक पहुंच चुके थे। रोहन बताते हैं कि उस सुनसान रास्ते पर ऑटो चलाते हुए उनके मामा अभी कुछ दूर आगे चले ही थे कि तभी अचानक से उनके ऑटो की लाइट्स चालू बंद होने लगी। वो देखकर रोहन के मामा अभी कुछ ठीक से समझ भी नहीं पाए थे कि अचानक से उनका ऑटो बंद पड़ गया, जिससे रास्ते पर हर तरफ घना अंधेरा हो गया। देर रात अकेले में उस सुनसान रास्ते पर अब रोहन के मामा घबराने लगे और फिर उन्होंने कई बार ऑटो की चाबी घुमाकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर लाख कोशिशों के बाद भी ऑटो स्टार्ट नहीं हुआ। जिस पर रोहन के मामा ने ऑटो से निकलकर उसे चेक करने का सोचा कि सिस्टम में आखिर क्या खराबी हो गई है। ये सोचकर अभी वो ऑटो से उतरे ही थे कि तभी जोर की बारिश चालू हो गई, जिस पर रोहन के मामा वापस ऑटो में आकर बैठ गए और उन्होंने अपनी जेब से एक बीड़ी निकाली और बीड़ी जलाकर पीने लगे। रोहन बताते हैं कि जब उनके मामा बीड़ी पी रहे थे तभी पता नहीं कहाँ से उनके पास एक आदमी आकर खड़ा हो गया और जब रोहन के मामा ने उस आदमी की तरफ देखा तो वो एक पल के लिए उसे देखते ही रह गए। उस आदमी ने ऊपर से नीचे तक सफेद कपड़े पहन रखे थे और अंधेरे में भी उसके कपड़े काफी चमक रहे थे। रोहन के मामा अभी उस आदमी को देख ही रहे थे और मन ही मन ये सोच रहे थे कि इतनी बारिश में ये आदमी इस सुनसान रास्ते पर उनकी ऑटो के पास कहाँ से और क्यों आया कि तभी जोर की बिजली चमकी, जिस पर रोहन के मामा ने जो देखा वो देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए और उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि बिजली के चमकते ही उसकी रोशनी में वो आदमी गायब हो जाता और चारों तरफ अंधेरा छाते ही वो आदमी फिर से उन्हें दिखाई देने लगता। इतना देखना ही था कि रोहन के मामा को
समझ आ गया कि उनकी ऑटो के पास खड़ा वो आदमी कोई इंसान नहीं है, और वो किसी बुरी आत्मा की चपेट में है और उनकी जान को खतरा है। अभी ये बातें रोहन के मामा के दिमाग में चल ही रही थी कि तभी उनके पास खड़े उस आदमी ने बेहद ही भारी आवाज में उनसे वो बीड़ी दूर फेंकने को कहा। उसकी ये बात सुनते ही डरते हुए रोहन के मामा ने वो जलती हुई बीड़ी ऑटो से बाहर फेंक दिया, और उनके ऐसा करते ही उस भूत ने उनकी गर्दन पकड़ ली और उन्हें खींचकर ऑटो से बाहर निकाल लिया और उन्हें उठाकर ऊपर हवा में टांग दिया, जिस पर रोहन के मामा जोर जोर से कपकपाने लगे और डरते हुए उस आदमी से बोले कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो और जाने दो। रोहन के मामा की बात सुनते ही उस भूत ने उन्हें पीछे वाली सीट पर पटक दिया और खुद ऑटो पर बैठकर वो उनसे बोला कि कहाँ चलना है। उस भूत की ये बात सुनकर रोहन के मामा ने डरते हुए कहा कि ऑटो खराब है। वो इतना बोले ही थे कि तभी उन्होंने जो देखा वो देखकर उनके पसीने छूट गए। उन्होंने देखा कि उस भूत की गर्दन एक झटके से उनकी तरफ मुड़ गई, और तब उसका भयानक चेहरा देखकर रोहन के मामा के पसीने छूट गए और वो पसीने से लथपथ हो गए। उस आदमी के चेहरे के एक तरफ मांस ही नहीं था, और उसकी हड्डियां बाहर निकली हुई थी, और उसकी बड़ी और लाल सुरख आंखों को देखकर रोहन के मामा के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कपकपाते हुए उसे अपने घर का रास्ता बताया, और तभी यकीन मानो ऑटो अपने आप स्टार्ट हो गया और रोड पर बेहद ही तेजी से चलने लगा। और तो और वो भूत अभी भी रोहन के मामा को घूरे जा रहा था, और रास्ते पर उसकी नज़र नहीं थी, जिस पर रोहन के मामा का डर अब सातवें आसमान में पहुंच चुका था। ऑटो की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही थी। रोहन के मामा को डर था कि कहीं ऑटो का एक्सीडेंट ना हो जाए, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अचानक ऑटो पलटकर एक पेड़ से टकरा गया, और फिर आगे रोहन बताते हैं कि उसके बाद उनके मामा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, और फिर उन्हें कुछ याद नहीं रहा और वो बेहोश हो गए। अगले दिन जब लोगों ने देखा तो पुलिस को फोन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस बुलवाया और ऑटो से रोहन के मामा को बाहर निकाला गया। रोहन बताते हैं कि जब उनके मामा को ऑटो से बाहर निकाला गया तभी उन्हें होश आ गया और वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे। रोहन बताते हैं कि ऑटो की उस भयानक टक्कर से उनके मामा का सर फट गया और उनका काफी सारा खून ऑटो पर और जमीन पर फैला हुआ था। आगे रोहन बताते हैं कि जब उनके मामा को स्ट्रेचर पर लिटाया जा रहा था तब वो एक ही शब्द दोहरा रहे थे, वो कहाँ गया, वो मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। रोहन ने बताया कि उस घटना से उनके मामा की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि उनके डर का असर उनके दिमाग पर हो गया था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी कई महीनों तक वो कई रातों तक उठकर चीखने चिल्लाने लगते थे। रोहन बताते हैं कि उस घटना के लगभग एक साल तक उनके मामा का इलाज चला, और इस दौरान डर और खौफ से वो घर के बाहर नहीं निकले, और फिर जब वो ठीक हुए तब उन्होंने अपने साथ घटी इस घटना के बारे में सब कुछ घर वालों को बताया। उनकी बात सुनकर घर के सभी लोग भी सकते में आ गए थे। मगर कहते हैं ना दोस्तों, जब कोई सदमा लगता है
तो वो इंसान को जीने नहीं देता। रोहन के मामा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रोहन बताते हैं कि एक रात अचानक उनके मामा पहले की तरह चीखने चिल्लाने लगे, और फिर कुछ ही समय में, जब तक कोई कुछ कर पाता, तभी दिल का दौरा पड़ जाने से उनके मामा की मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी रोहन के मामा के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारी आज की कहानी सुरेश जी ने भेजी है, जो कि एक स्कूल के वॉचमैन हैं। सुरेश बताते हैं कि ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं स्कूल से ड्यूटी ख़त्म करके रात को 8 बजे अपने घर लौट रहा था। मेरा घर स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं था, इसीलिए मैं हर रोज़ ड्यूटी ख़त्म करके पैदल ही अपने घर चला आता था। उस रात भी मैं पैदल ही अपने घर जा रहा था। जब मैं अपने घर जा रहा था, तब पहले तो सब कुछ सही था, मगर जब मैं अपने घर की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते तक पहुंच गया, तब मुझे उस दिन पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा लगने लगा। अगर एक शब्द में कहूँ तो मैं काफ़ी निगेटिव फील कर रहा था। मुझे लगने लगा कि कुछ तो है इस रास्ते पर जो कि सही नहीं है, इसीलिए मैं काफ़ी तेज़ तेज़ आगे चलने लगा। मगर अभी मैं कुछ दूर आगे चला ही था कि तभी अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे से आकर मेरे कंधों पर बैठ गया है। यकीन मानिए, मैं साफ साफ महसूस कर पा रहा था कि कोई मेरे ऊपर बैठा है, मगर मैं घबराते हुए सिर्फ हवा में हाथ चला रहा था, मगर मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था। हद तो तब हो गई जब मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे ऊपर बैठा है, अब उसने अपने हाथ मेरी गर्दन पर रखे हैं। वो एहसास ही मेरी सांसें ठंडी करने के लिए काफ़ी था। वो सब मेरे साथ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे कुछ सोचने समझने का वक्त ही नहीं मिला, और फिर मैं चीखे मारता हुआ रास्ते पर दौड़ने लगा। मगर तभी मेरी आंखों के बिल्कुल सामने से एक चमकती हुई परछाई बेहद ही तेजी से मेरी तरफ आई और मेरे शरीर से होकर पता नहीं कहाँ गायब हो गई। मगर उसके तुरंत बाद मुझे चक्कर आने लगे, और फिर उसके बाद उस रात मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। मैं बेहोश हो चुका था। फिर आधी रात हो जाने के बाद भी जब मैं अपने घर नहीं पहुंचा, तो मेरे बड़े भैया मुझे ढूंढते हुए उसी जगह पहुंच गए जहां पर मैं जमीन पर बेसुध पड़ा हुआ था। फिर वो मुझे जैसे तैसे घर लेकर आए, मगर घर पर भी मुझे होश नहीं आया। तब मेरे चाचा जी को शायद समझ आ गया कि मेरे साथ किसी ऊपरी हवा का चक्कर है, तो उन्होंने मेरे भैया से तुरंत हमारे गांव के भगत को बुलाकर लाने को कहा। फिर मेरे बड़े भैया जैसे तैसे आधी रात को भगत को जगाकर घर पर लेकर आए। तब उस भगत ने सुबह तक कई तरह के तरीके अपनाए, तब जाकर मुझे होश आया। तब उस भगत ने सभी से बताया कि मुझ पर एक बहुत ही ताकतवर जिन्नात का साया था जो अंदर ही अंदर मेरा खून पी रहा था, और वाकई मुझे मेरा शरीर बेहद ही कमज़ोर महसूस हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे शरीर में जान ही ना हो। खैर, फिर उस भगत ने बताया कि अब मैंने इस जिन्नात को अपने कब्जे में कर लिया है, तो अब कोई चिंता की बात नहीं है। और फिर उस भगत ने एक पाउडर निकाला जो कि पूरा काला था। मुझे पता नहीं वो क्या था। उस भगत ने उस पाउडर पर जलती हुई राख मिलाई, और फिर कई तरह की विधियां करने के बाद उसने एक ताबीज बनाया, और वो ताबीज उस भगत ने मेरे गले में पहनाकर मुझसे कहा कि
याद रहे, ये ताबीज कभी भी तुम्हारे गले से नहीं निकलना चाहिए, खासकर उस जगह पर तो बिल्कुल भी नहीं जहां पर तुम्हारे साथ ये घटना घटी है, वरना इस बार ये जिन्नात तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैं अधिक समय तक इस पर काबू करके इसे अपने कब्जे में नहीं रख सकता। भगत की बात सुनकर मैंने हाँ कर दिया। खैर, अब मेरे साथ इस घटना को हुए कई साल बीत गए हैं, मगर शुक्र है मेरा सामना कभी दोबारा उस जिन्नात से नहीं हुआ, और मैंने भी आज तक ये ताबीज अपने गले से नहीं उतारा। तो दोस्तों, ये थी सुरेश के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमारे साथ शेयर किया है समरेंद्र जी ने। ये उन्हीं के साथ घटी बिल्कुल सच्ची भूतिया घटना है। समरेंद्र बताते हैं कि जब मेरे साथ ये घटना घटी, तब मैं ट्रक ड्राइवर था और ट्रक का सामान पहुंचाने के लिए मुझे काफ़ी दूर दूर तक जाना पड़ता था। ये बात तब की है जब रोज की ही तरह उस दिन भी मैं ट्रक में सामान लोड करके लगभग 180 किलोमीटर के लंबे सफ़र पर निकल चुका था। सफ़र के दौरान पहले तो सब कुछ ठीक ही था, मैं 150 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका था और तब तक रात भी हो चुकी थी। तकरीबन रात के 12:30 बज चुके थे। जिस रास्ते पर मैं था वो रास्ता काफ़ी सुनसान था। मुझे कुछ घंटों पहले तक कुछ इक्का दुक्का गाड़ियां नज़र आ रही थी, मगर अब वो भी नहीं थी, जिस वजह से रास्ता बिल्कुल साफ था। इसीलिए मैंने अपने ट्रक की स्पीड को और तेज कर दिया, मगर अभी मैं कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि अचानक मेरे ट्रक की स्पीड धीमी पड़ गई। वो देखकर मैं काफ़ी घबरा गया और मैंने दोबारा ट्रक की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, मगर ट्रक तो जैसे जाम पड़ गया था। उसकी रफ्तार लगातार कम होती जा रही थी और फिर तभी अचानक ट्रक बंद पड़ गया और उस सुनसान रास्ते पर बीचों बीच खड़ा हो गया। मेरे साथ ऐसा पहले भी कई बार हुआ है जब मेरा ट्रक अचानक से किसी रास्ते पर खराब हो गया हो, मगर उस दिन मुझे कुछ अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। फिर मैंने मन ही मन भगवान को याद किया और दोबारा ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, तो इस बार ट्रक स्टार्ट हो गया, मगर ट्रक की रोशनी में मैंने देखा सामने रास्ते पर एक औरत खड़ी थी जिसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहन रखी थी। वो औरत दिखने में तो बेहद ही खूबसूरत थी, मगर मेरे लिए हैरानी की बात तो ये थी कि इस सुनसान रास्ते पर इतनी रात गए वो औरत क्या कर रही थी। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि तभी वो औरत मेरे ट्रक के पास आकर खड़ी हो गई और मुझसे बोली कि भैया, मैं रास्ता भटक गई हूँ, प्लीज़ मुझे आगे चौराहे तक छोड़ दीजिए। उस औरत की ये बात सुनकर मैंने भी सोचा कि आखिर मैं आगे जा ही रहा हूँ तो क्यों ना इसे भी चौराहे तक छोड़ ही दूँ। आखिर इतनी रात गए बेचारी कहाँ जाएगी। यह सोचकर मैंने उसे ट्रक पर अपने बगल वाली सीट पर बैठा लिया और आगे चल पड़ा। और फिर रास्ते पर मैंने कई बार उस औरत से बात करने की भी कोशिश की, मगर उस औरत ने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। और मैं फिर तकरीबन 3-4 किलोमीटर आगे पहुंचा ही था कि तभी उस औरत ने कहा कि बस, मुझे यहीं उतरना है। उस औरत की बात सुनकर मैं ट्रक रोकने ही वाला था कि तभी मुझे याद आया कि इस औरत ने मुझसे इसे चौराहे पर उतारने को बोला था, मगर अभी तो चौराहा लगभग 5 किलोमीटर दूर था। तो मैंने उस औरत से कहा कि मगर आपने तो कहा था कि मुझे चौराहे पर। मैं इतना बोलते बोलते ही
चुप हो गया जब मेरी नजर उस औरत के भयानक चेहरे पर पड़ी। उस औरत का चेहरा इतना भयानक था कि उसे देखते ही मेरी चीख निकल पड़ी और हड़बड़ाहट में मेरा ट्रक पर से संतुलन बिगड़ गया और मेरा ट्रक एक पेड़ से टकरा गया। और तभी वो औरत जोर जोर से हंसने लगी और एकदम से उस औरत ने मेरी गर्दन पकड़ ली और वो औरत मेरा गला दबाने लगी, जिस पर मैं जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। और तभी मुझे याद आया कि आज सुबह ही मेरी गर्दन पर से ताबीज खुल जाने से मैंने वो ताबीज अपनी जेब में रख लिया था। और फिर ये याद आते ही मैंने फौरन वो ताबीज अपनी जेब से बाहर निकाल कर उस औरत के सर पर रख दिया कि तभी वो औरत वहाँ से गायब हो गई। और उसके गायब होते ही ट्रक पर चारों तरफ काला धुआं फैल गया। और फिर तभी मैंने वो ताबीज अपने गले में पहन लिया और भगवान की दया से मेरा ट्रक भी स्टार्ट हो गया। और फिर मैं ट्रक भगाते हुए वहाँ से निकल गया और अगले ही दिन मैंने वो ट्रक ड्राइवरी का काम छोड़ दिया और वापस अपने गांव लौट आया। तो दोस्तों ये थे समरेंद्र जी के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। दोस्तों आगे की कहानियाँ हमारे पिछले एपिसोड की हैं, अगर आपने वो कहानियाँ नहीं सुनी हैं तो आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों भूतों के कई प्रकार होते हैं और उसी प्रकार इनका निवास भी, कई तरह की अलग अलग जगहों पर इनकी पसंद के हिसाब से होता है। एक ऐसा ही खतरनाक भूत होता है मेखो, जो मछली खाना बेहद पसंद करता है। मछली खाने की वासना से ये भूत मछली से भरे तालाब के अंदर या कहीं पर पानी के अंदर रहता है। अगर कोई शख्स ऐसे तालाब के आसपास से रात में या गलत समय पर जाता है तो ये भूत उससे मछली की मांग करता है, और अगर वो मछली नहीं देता है तो ये भूत उसको मार देता है। इसके अलावा इस भूत का सबसे अधिक अनुभव मछुआरे करते हैं और ये मछुआरों की नाव से मछली चोरी करने के लिए भी जाना जाता है। आज मैं आपको इस भूत से जुड़ी बिल्कुल सच्ची भूतिया कहानियाँ सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। ये राजस्थान के रहने वाले देवेंद्र के चाचा के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। दरअसल देवेंद्र के चाचा पेशे से एक मछुआरे थे और घर से कुछ दूर पर तालाब में हर रोज मछली पकड़ने जाया करते थे। उस दिन भी शाम को वो उसी तालाब में मछली पकड़ रहे थे। उन्हें मछली पकड़ते पकड़ते लगभग शाम के 6 बज चुके थे। हर रोज वो अब तक पकड़ी हुई मछलियां लेकर अपने घर चले जाते थे, मगर उस दिन पता नहीं क्यों वो अभी तक एक भी मछली पकड़ नहीं पाए थे, जिस वजह से देवेंद्र के चाचा ने कुछ समय तालाब में रुककर मछलियां पकड़ने का सोचा। लगभग 1 घंटे बाद उन्होंने कुछ मछलियां पकड़ ली। अब तक 7 बज चुके थे और अंधेरा भी हो चुका था। देवेंद्र के चाचा ने अब घर वापस लौटने का सोचा, तो उन्होंने अपनी नाव को तालाब के किनारे लगाया और मछलियां हाथ में लेकर तालाब से बाहर निकलने लगे। अभी वो तालाब से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया, जिस वजह से देवेंद्र के चाचा एकदम से घबरा गए और उन्होंने हड़बड़ाते हुए पीछे पलटकर देखा तो उन्होंने देखा कि उनके पीछे एक लंबा सा आदमी खड़ा था और उस आदमी के शरीर पर कुछ कांटों जैसा निकला हुआ था। देवेंद्र के चाचा अभी उस आदमी को देख ही रहे थे कि तभी उस आदमी ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये मछलियां मुझे दे दो। उस आदमी की आवाज
ऐसी थी जैसे कोई नाक बैठाकर बोलता हो। देवेंद्र के चाचा ने जब उस आदमी की बात सुनी तो उन्होंने वो मछलियों का थैला कसकर पकड़ लिया और अपने घर की तरफ भागने लगे और कुछ ही देर में वो घर भी पहुंच गए। जब वो घर पहुंचे तो उनकी ये हालत देखकर सबने उनसे पूछा कि आप इतना हांफ क्यों रहे हो। तब उन्होंने सबको सारी बात बताई और कहा कि ये मछलियों का थैला छिपा कर रख दो, सुबह मैं इन्हें बाजार में बेचने जाऊंगा। और फिर उसी रात खाना पीना खाकर सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। सभी को यही लग रहा था कि ये सब अब खत्म हो चुका है, लेकिन किसे पता था कि देवेंद्र के चाचा की गलती उनकी जान ले लेगी। उसी रात अचानक देवेंद्र के चाचा के जोर जोर से सांसें खींचने की आवाज़ से सभी जाग गए। जब सब उनके कमरे में पहुंचे तो सबने देखा कि देवेंद्र के चाचा जमीन पर पड़े हैं और जोर जोर से सांसें खींच रहे हैं। मरते मरते देवेंद्र के चाचा सबको बार बार देख रहे थे और कुछ कहना चाह रहे थे, मगर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते उनकी आंखें टंग गई और उसी रात लोगों के मुताबिक दिल का दौरा पड़ जाने से उनकी मौत हो गई। अगले दिन जब घर के ही किसी आदमी ने वो मछलियों का थैला खोला तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस थैले में एक भी मछली नहीं बची थी। जबकि रात में सबने देखा था कि उस थैले में मछलियां भरी थी। अब घर के सब लोग समझ गए थे कि देवेंद्र के चाचा की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं, बल्कि उन्हें तो मेखो भूत ने मार डाला था। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान के रहने वाले देवेंद्र के चाचा के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा कि अधिकतर आत्माओं का वास वहीं पर होता है जहाँ पर उनकी मौत होती है। ये कहानी भी एक आत्मा से जुड़ी हुई है। जब एक अभिषेक नाम के शख्स को उसी के घर पर मौत के घाट उतार दिया जाता है और तभी से उस घर में बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है कि उस घर में अभिषेक की आत्मा का वास है और जो भी उस घर पर रहता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं कहानी पर आऊं, मैं आपको अभिषेक की मौत से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूं। बताते हैं कि ये शख्स बहुत ही अमीर था, मगर बदकिस्मती से एक रोड एक्सीडेंट में इसने अपने बीवी बच्चों को खो दिया था और फिर उसके बाद ये काफ़ी तनाव में आ गया और इसने अपने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। मगर कुछ लोगों की नज़र इसके पैसों पर थी। एक रात चोरी से वो लोग इसके घर पर घुसे और पैसा लूटकर वो लोग घर से निकल ही रहे थे कि तभी अभिषेक की नींद खुल गई और उसने उन लोगों को देख लिया। और जब उसने उन लोगों का रास्ता रोकते हुए चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और फिर उन लोगों ने ये सोचकर कि कहीं इसकी आवाज़ से आसपास के लोग ना जाग जाएं, ये सोचकर उन लोगों ने अभिषेक को गोली मार दी और उसकी लाश को उसी घर पर गड्ढा खोदकर गाड़ दिया और वहाँ से भाग गए। बताते हैं कि उस घटना के बाद आज भी अभिषेक की आत्मा उस घर पर भटक रही है और जो भी उस घर में जाता है वो रहस्यमयी तरीके से या तो पागल हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। ये राजू और उसके परिवार के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात तब की है जब राजू उसी शहर में
अपने परिवार के साथ शिफ्ट हुआ था। लिहाजन उसे उसी शहर में एक सस्ते और अच्छे घर की तलाश थी। और इधर अभिषेक के घर पर एक बड़े बिजनेसमैन का कब्जा था और उसने कई लोगों को वो घर किराए पर दिया था, मगर कोई उस घर पर टिक नहीं पाता था। बदकिस्मती से राजीव की खबर उस बिजनेसमैन को हो गई और उसने उसे वो घर बहुत ही सस्ते दामों में राजीव को बेच दिया। और हर बात से अनजान राजीव ने बेहद ही खुशी से वो घर खरीद लिया और फिर उसी दिन वो अपने परिवार के साथ उस घर पर शिफ्ट हो गया। राजीव के परिवार में सिर्फ उसकी वाइफ ही थी जो कि प्रेग्नेंट थी और उसकी प्रेगनेंसी को 6 महीने पूरे हो चुके थे। राजीव उसे कोई काम करने नहीं देता था, इसीलिए अकेले उसने पूरे घर की सफाई की और सारा सामान उस घर पर सेट किया। ये सब करते करते शाम हो गई और फिर शाम को सारा काम खत्म करके राजीव मार्केट से कुछ जरूरी सामान लाने के लिए घर से बाहर चला गया और उसकी वाइफ कमरे पर बेड में लेटी हुई थी। और फिर कुछ समय बाद उसे प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए उठी और कमरे से बाहर निकलकर किचन की तरफ जाने लगी। अभी वो किचन की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी एक आवाज़ से वो बेहद घबरा गई। वो आवाज़ ठीक उसके पीछे से आई थी। वो एकदम से रुक गई और उसने पीछे पलटकर देखा तो उसने देखा कि कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया था। वो देखकर उसने घबराते हुए आवाज़ दी, कौन है, कौन है वहाँ पर? मगर सब कुछ शांत था। हिम्मत करके वो कमरे के पास गई और उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, मगर उसने देखा कि कमरे में भी कोई नहीं था। ये देखकर वो और भी ज़्यादा डर गई, मगर उसने सोचा कि हो सकता है हवा से दरवाज़ा बंद हो गया होगा। मगर उस बंद घर पर हवा का नामो निशान नहीं था। मगर अपने आप को झूठा दिलासा देते हुए वो अभी वापस किचन की तरफ पलटी ही थी कि तभी किसी अनजान चीज ने उसे बालों से पकड़कर घसीटा और पेट पर पटक दिया। और इसी के साथ घर की सभी खिड़की दरवाजे जोर जोर से खुलने और बंद होने लगे। ये देखकर राजीव की वाइफ के पसीने छूट गए और वो चीखे मारते हुए घर से बाहर भागने लगी। वो भागते हुए घर के मेन गेट तक पहुंची ही थी कि दरवाजे पर उसे राजीव मिल गया। वो रोते हुए राजीव से चिपक गए। राजीव ने उसे संभालते हुए उससे कहा कि क्या हो गया, ऐसे क्यों रो रही हो? राजीव की बात पर डरते हुए उसने कहा कि घर पर कोई है। और इतना कहकर वो रोते हुए बार बार राजीव से यही कहने लगी कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमें अभी इस घर से निकलना होगा। उसकी बात सुनकर राजीव ने उससे कहा कि कौन है घर पर, मेरे साथ आओ, मैं देखता हूँ। फिर अपनी वाइफ को साथ लेकर राजीव घर के अंदर पहुंचा, मगर घर के अंदर उसने देखा कि सब कुछ शांत था, ऐसा जैसे कि वहां पर कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर राजीव को समझ आ गया कि जरूर थकान और नई जगह की वजह से उसकी वाइफ को वहम हुआ है। फिर उसने अपनी वाइफ से कहा कि देखो यहाँ पर कोई भी नहीं है, ये नई जगह है इसीलिए तुम्हें वहम हो रहा है, कुछ समय यहाँ रहोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। ये कहकर राजू किचन की तरफ चला गया। और फिर उसी रात जब दोनों सो रहे थे तभी अचानक राजू को ऐसा लगा
कि कोई उसके ऊपर बैठा उसका गला दबा रहा है। घबराकर राजीव उठकर बैठ गया। कमरे में घना अंधेरा था। राजीव ने अपने चारों तरफ देखा तो उसने देखा कि बेड पर वो अकेला है, उसकी वाइफ नहीं है। यह देखकर वो जल्दी से उठा और अपनी वाइफ को आवाज देते हुए कमरे से बाहर निकला। कमरे के बाहर भी हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। राजीव ने अपना फोन बाहर निकाला और फोन की फ्लैशलाइट चालू करके वो अपनी वाइफ को ढूंढने लगा। अभी वो अपनी वाइफ को ढूंढ ही रहा था कि तभी उसकी नज़र किचन की तरफ गई तो उसने देखा कि किचन के पास उसकी वाइफ जमीन पर उकड़ू बैठी थी और उसने अपने चेहरे को अपने बालों से ढक रखा था। वो देखकर वो जरा सा घबरा गया और अधीर कदमों से अपनी वाइफ को बुलाते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। मगर अभी वो अपनी वाइफ की तरफ कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी उसने जो देखा वो देख के उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो घबरा कर जमीन पर गिर पड़ा। उसने देखा कि उसकी वाइफ के चारों तरफ खून फैला हुआ था और उसकी वाइफ के हाथों में एक मरी हुई बिल्ली थी जिसके मांस के लोथड़ों को वो चबा चबा कर खा रही थी। अब राजीव के हाथ पांव कपकपा रहे थे, मगर हिम्मत करके वो उठा और अपनी वाइफ के पास पहुंचकर उसने उससे कहा कि ये तुम क्या कर रही हो, दूर फेंको इस बिल्ली को। राजीव इतना बोल ही रहा था कि तभी उसकी वाइफ ने एक झटके से उसकी गर्दन पकड़ ली और तब राजीव ने उसका भयानक चेहरा देखा। उसने देखा कि उसकी वाइफ की आंखें सुर्ख लाल थी और उसके चेहरे पर खूनी खून लगा हुआ था। वो देखकर राजीव के पसीने छूट गए और वो पसीने से लथपथ हो गया कि तभी उसकी वाइफ ने उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया और जोर जोर से चीखे मारते हुए वो उस घर की छत से नीचे कूद गई। इधर जमीन पर बेसुध पड़े राजीव ने जब अपनी वाइफ को ऐसा करते देखा तो वो दौड़कर घर से बाहर गया। मगर वहां उसने देखा कि घर के बाहर जमीन पर उसकी वाइफ की लाश पड़ी हुई थी। वो देखकर राजीव की जान हलक में अटक गई और रोते बिलखते हुए वो अपनी वाइफ से लिपट गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना स्थल पर सिर्फ राजीव ही मौजूद था। इसीलिए राजीव की तरफ से अपने बचाव में कोई ठोस सबूत न पेश कर पाने से उसे 10 साल की जेल हो गई और उस घर को आम लोगों के लिए बैन कर दिया गया। तो दोस्तों ये थे राजीव और उसकी वाइफ के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना।